हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेज बाइट्स विद सिस्टर्स में। आज हम बनाने जा रहे हैं रवा डोसा, जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रवा डोसा बनाने के लिए हम ले रहे हैं एक बॉल दही। पहले इसे अच्छे से विस्क कर लेते हैं। जिस बोल से हमने दही मेज़र किया था, उसी बोल से हमने 3 बोल रवा मेज़र किया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे। दही और रवा मिक्स हो चुके हैं, पर आप देख सकते हैं ये अभी काफ़ी ड्राई है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है पानी। इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। यहाँ लगभग 1.5 ग्लास पानी मैंने ऐड किया है। रवा और दही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब हम इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। ये प्रोसेस काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो रवा है वो जितना पानी सोख कर सकता है सोख कर लेगा, और जब हम इसके ताए बनाएंगे तो वो काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। जब तक हमारा बैटर रखा है, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। ताए में ऐड करने के लिए हमने रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। इसके लिए हम ले रहे हैं प्याज, हरी मिर्च, सौंफ, काली मिर्च पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, खड़ा जीरा, लाल मिर्च पाउडर। आधा घंटा हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि रवे ने पानी सोख कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं आधा चम्मच सौंफ। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम आधा चम्मच जीरा। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। साथ ही ऐड करेंगे आधा चम्मच से थोड़ी सी कम काली मिर्च पाउडर। इसके बाद ऐड करते हैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्च जिन्हें हमने बारीक काट करके लिया है, एंड एट द एंड हम इसमें ऐड करते हैं बारीक कटे हुए प्याज। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी बारीक काट करके डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसमें ऐड करते हैं सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। आप देख सकते हैं अभी हमारा बैटर काफ़ी थिक है, सो दैट इस पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। ये जो कंसिस्टेंसी आपको दिखाई दे रही है, हमें ताए बनाने के लिए बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए। इसे और ज़्यादा पतला ना करें। अब जब हम ताए बनाने जा रहे हैं, ठीक उसके पहले हमें इसमें ऐड करना है बिल्कुल थोड़ा, 1/4 से भी कम खाने का सोडा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारे ताए को फ्लफीनेस देगा। चलिए, बैटर एकदम रेडी है, अब ताए बनाना स्टार्ट करते हैं। ताए बनाने के लिए हमने गैस ऑन करके एक तवा रख दिया है। याद रखिए, यहाँ पर तवा अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हम ताए बनाना स्टार्ट करें। तवा गरम हो चुका है। अब हम इस पर डालते हैं थोड़ा सा ऑयल। इस पर बहुत ही कम हमें ऑयल की ज़रूरत है। इसके बाद हम बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर बैटर पोर कर देंगे, और इसे इवनली हमें स्प्रेड करना है। देखिए, इस पर अच्छे से बबल्स आ रहे हैं और ये कुक होना स्टार्ट हो चुका है। हम ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब ये वन साइड से कुक हो चुका है, तो इसे धीरे से हमें एक स्पैचुला की हेल्प से निकाल लेना है। देखिए ये कितनी आसानी से रिमूव हो रहा है। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे। ये ऊपर से अच्छे से गोल्डन क्रस्ट आ चुका है, और अब हम इसे नीचे की तरफ से भी अच्छे से कुक कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसे टैप करते जाएंगे।
ताया पीछे से भी अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसे किचन टॉवल पर निकाल लेते हैं और बाकी के ताए भी इसी प्रकार से हम तैयार कर लेते हैं। देखिए झटपट बनने वाली बहुत ही इजी रेसिपी है ये। ताए तैयार हो चुके हैं, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। लीजिए गर्मा गर्म ताए बनकर के तैयार हैं। एंजॉय कीजिए इसे दही और चटनी के साथ में, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।